पता नहीं होगा सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाएगा, पेरेंट का प्रेशर आ जाएगा, अब आप समझे ना कि बच्चों को आपने लैंग्वेज पढ़ा दिया तो फिर एक जंग लग गई आप। ये सारी जंग की इधर टाइम था ना, असल में इधर बच्चा नहीं पढ़ा, प्लेन है हम प्लेन में, असी सिर्फ कापियां भर भर कार्टून ही जाते हैं, सामने कोई पता नहीं कि असल में देखें हमें बच्चा तो यहाँ चाहिए था ना कि वो कुरान मजीद का टॉपिक सही लिख ले, वो फोटोसिंथेसिस को सही लिख ले, वो सीपीयू को सही लिख ले, हम उसको इस काबिल नहीं बनाते, वो सिर्फ छः लाइनें रट के आता है आगे पेपर देता है। इसके लिए ना जी दो मिनट आपके लिए बस मजीद 10-5 मिनट हो गए, इसके लिए हमने पेपर पैटर्न बनाया है। पेपर जो है ना हमारे हो गया, एक पेपर हमने ले लिया, पेपर इस तरीके से बनाया है, फॉर एग्जाम्पल ये कुरान मजीद का टॉपिक है, हमने यहाँ से एक पैराग्राफ दिया और नीचे 6 MCQ 5 MCQ दिए, अगले एक टॉपिक से पैराग्राफ लिया है उसमें से फिल इन द ब्लैंक्स दिए, अगला पैराग्राफ लिया है और उसमें से हमने MCQ दिए, इस तरह करके 50 नंबर का पेपर हमने सिर्फ क्रिएटिव रखा है, उसमें कोई रटा नहीं, बच्चा वो उसे दे और एक पैरा दिया जिसमें से बच्चा क्वेश्चन खुद बनाएगा, ही जस्ट मेक क्वेश्चंस। अगला टॉपिक एक बनाया जिसमें क्वेश्चन हम दिए होंगे, ये 60 नंबर का पेपर होगा क्रिएटिव, और हर हफ्ते बच्चे की हर चैप्टर कंप्लीट होगा, बच्चे की प्रेजेंटेशन जैसे कि ये तकवाने का खत्म हुआ है कि वाला बच्चा आएगा जी मैं छोटा सा बच्चा है, मैं क्लास 1 का बच्चा हूँ, मैंने कुरान मजीद का पढ़ा है, इसमें 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं और ये रबीउल अव्वल का नाफ़िल होता है रमजान में, बस ये कम्प्लीट प्रेजेंटेशन, इसको उसको 10 नंबर देते हैं, उसको यूनिफॉर्म देते हैं, उसको अच्छा बोलने का 100% होने का, हर वीक के प्रेजेंटेशन के नंबर हम काउंट करते हैं, इस्लामी हल्के टोटल कितने चैप्टर हैं 10, प्रेजेंटेशन का नंबर 1 नंबर देंगे हर प्रेजेंटेशन में, एंड में नंबर जितनी उसने प्रेजेंटेशन दी होगी 50 नंबर का होगा क्रिएटिव पेपर की, 10 नंबर की प्रेजेंटेशन और 10 नंबर का वुज़ू, इसके अंदर था नमाज थी, कुछ आयतें थी, कुछ हिस्से थी, वो बच्चे को याद नहीं है उसको एक क्लास ले लेंगे, 100% पेपर 10 नंबर रखे हुए हैं हमने वैल्यूज के, कुछ रिस्पेक्ट ऑनर तो सारा पेपर क्रिएटिव, और वालदैन की तसली के लिए 20 नंबर का पेपर हमने रखा हुआ है जिसमें हम 5 महीने 4 सवाल देते हैं कि कुरान मजीद के बारे में 1 करोड़ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ जी नबी पाक की सीरत तैयबा में जो मदीना में गए थे वहाँ में कुछ वाक्य आप लिखते हैं, वो भी बिल्कुल क्रिएटिव पूछना उससे, 20 नंबर का ये, 50 नंबर का ये, 70, 10 की प्रेजेंटेशन, 80, 10 का मुनाजरा और 10 का आगे जाके उसकी वैल्यू का, इसी तरह इंग्लिश, इसी तरह साइंस, साइंस का बकायदा प्रैक्टिकल हर हफ्ते बच्चे ने वो प्रैक्टिकल किसी भी लेवल का उसने करना करें, नेक्स्ट करें बस आगे ठीक है जी। बेसिकली इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज के लिए अगर आपने काम करना है इसके लिए डिटेल वर्किंग ट्रेनिंग जो भी लेंगे तो हम बैठ सकते हैं बात कर सकते हैं, 3 ये क्लासेस हैं, आप इस तरह पिक्चर को देख लें, सबसे बड़ी पिक्चर यही है कि हम कोई बच्चा डिसाइड कर रहे हैं आपने क्या करना है, इसको जो थोड़ा बहुत ही है ना जहाँ क्या होनी है, यहाँ जो कुछ उसने किया ना उसका टेस्ट 1 और 2 में होता है, 1 और 2 में बच्चा पढ़ाते नहीं है, सिर्फ टेस्ट करते हैं कि कुछ क्लियर क्या कर सकते हैं, इसके पीछे वो उसने प्ले नसरी कोचिंग जो एक्सरसाइज की है क्या वो ये गाड़ी चलने के काबिल है, उसकी गाड़ी सही रूट में क्लास 3 में आ जाती है, आप अगर क्लास 3 को ध्यान से खोल देखे ना मैडम तो आपको उसकी इंग्लिश भी मैट्रिक इंग्लिश लगेगी, साइंस भी, उर्दू भी, SSC शेप उसकी बन जाती है क्लास 3 में। नेक्स्ट टाइम 1 मिनट दीजिए बोल रहे कुछ नहीं, ये बस लास्ट 2 स्लाइड रह गई हैं, ये इंग्लिश का मैंने एक चार्ट बनाया कि आपको कॉपी मिल जाएगी तो मुझे आप ब्राइट भी कर दीजिएगा हम तो कुछ हुआ, ये खोल लीजिए इसकी स्लाइड्स खोल रहे हैं, ये बस मैंने आपको शीट दी हुई है, ये इसको खोल अंदर आपका जो शीट हुई है इसको आप ध्यान से देखें, खोल अंदर आपकी शीट है इसको आप पहले ये खोल लें मैनर पहले ये मैनर का मुझे पहले शीट खोल लें अच्छा जी एक बात समझ लो मुझे ये बात बड़ी इरिटेट की है ऑक्सफोर्ड की साइंस और ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश सर एक बच्चा नहीं पढ़ सकता जब तक उसको इंग्लिश की सही फ्रैक्शन का नहीं पता के देखो ना हम की डप्टी सैट ऑन द वॉल है हम की डप्टी सैट ऑन द वॉल ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਦ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਡਿਡਮ ਡਿਸਾਈਡ ਆਨ ਵਾਲ ਹੈ ਇਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠੇ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ ਜੋ ਬੱਚੋ ਕੋ ਨਾ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਸਾਥ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਟ੍ਰਾਈ ਹਮਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੋ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਬੋਲੇ ਬੱਚਾ ਜਦ ਸੁਬਹ ਉੱਠਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ
उसके तब भी ये सारी बातें हैं ये गैस सब बोलने का मामला है स्टैंड टू गो फॉर स्कूल वॉश योर हैंड्स ब्रश योर टीथ वेयर योर क्लोथ्स डोंट वेट फॉर योर बस ये सारी बातें हैं इसके अंदर जो जनरली बच्चा करता है अगर आपने उसकी लैंग्वेज को प्रिपेयर कर दिया तो सबसे पहले उसकी रूटीन लाइफ सही करें वो रूटीन लाइफ में फिर बात सुन लीजिए अब माउस इज अ इनपुट डिवाइस और ए एंड डी का इस्तेमाल है इज भी उसने इंग्लिश से उठाना है इनपुट उसने कंप्यूटर से उठाया डिवाइस कंप्यूटर से उठाया बाकी तो लैंग्वेज है सारी तो लैंग्वेज के लिए पहले उसको अपनी रियल लाइफ को ठीक कर देते हैं तो अपनी रियल लाइफ में इज आर एंड हैज व्हाट वेयर का पूरा कनेक्शन समझ लेते हैं असल में बच्चे को व्हाट वेयर व्हेन हैज इज एवरी आप इसका कुछ नहीं करता बच्चा याद करता सारा कुछ या हम तो उसको रूटीन अच्छा जी ये बच्चा रेडी होकर नीचे आएंगे या पढ़ लीजिएगा पर रूटीन वो रेडी फॉर स्कूल है तो अटैक करने में रेडी हो जाओ जी अपने बाल ठीक करो टाई अपने ठीक कर अपने शूज चेक करें कैप चेक करें से अलाव करें ये वो बात है जो बच्चा रोज करता है इसमें हम कुछ भी नहीं करवा रहे लैंग्वेज पर एक तो बच्चा जो कर रहा है ना इसमें वो जो एक लफ्ज आ रहा है पुट योर बैग इन क्लासरूम ये उसका काम आएगा साइंस में वैसे स्टूडेंट ही वांट टू लर्न समथिंग ही वांट टू डू समथिंग इन वर्कशीट हेल्प करेगा तो उसको लैंग्वेज हेल्प करेगी अच्छा ये सारे वर्ब इनमें से हमने वर्ब उठा लिए हैं 40 वर्ब बने हैं आएंगे वो फिर वो उसमें आएगा नेक्स्ट इसको अब ये मुझे जो थोड़ा मिनिमाइज कर थोड़ा छोड़ा ऊपर जाते हैं ऊपर 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 बात कर रहे हैं ये सारी सिस्टम जो शुरू होता है ना कि ये क्वेश्चन मारिए बैक बैक उसको कसर से लेते हैं इसको लीजिए मूव करेंगे इसको मूव करो अच्छा ये सारी कहानी शुरू कहाँ से फॉर मी एक्सपीरियंस हुई आगे की पूछ रहे हैं असल में नॉलेज स्टार्ट होता है व्हाट से वेयर व्हेन हू एंड हाउ ये कुछ चीजें बच्चों को अपने क्लियर करनी है ये व्हाट से ही स्टार्ट होता है आपका बच्चा बिल्कुल एट द अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ जब वो पढ़ता है ए और एम का यूज या नाउन तो हमें सब यही पूछना है व्हाट इज दिस व्हाट इज दिस अब इसके साथ वेट लगाएगा या इज लगाएगा या एन लगाएगा तो क्लास में हमें सब यही कराना है बच्चा इज एन और इट को समझ जाए बस कुछ भी नहीं करवाना अब उसको जो चीज मिलती है उसके साथ ही लगाए और ये बताता जाए ये पर्सन है प्लेस है थिंग है फॉर एग्जाम्पल ये बैठे मैं पर्सन है ये आदमी थिंग है हम जिस जगह पे आएंगे प्लेस है इट्स ओके प्लेस के बारे में ये एसी है तो एन एसी एन एयर कंडीशनर अ फैन इट इज अ फैन तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना प्लेन में सिर्फ यही करना है जो कुछ वो आंख से देखता है उसको वो आप कुछ पूछ देते हैं बट कुछ एक स्टेज बाद आप उससे पूछें वेयर कहाँ बड़ी हुई है चीज़ अब वो दूसरा लफ्ज़ सीखेगा वेयर जिसका आंसर मैंने नीचे दिया हुआ है फिर उसको कुछ अगर स्टेज पर जाएगा तो वैन ये कुछ डब्ल्यू क्वेश्चन हैं आगे पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर में सबसे बड़ा मसला जो स्कूल में ये इसकी डेफिनेशन में टाइम नहीं है हालांकि कोई जरूरत नहीं है आप एक पेज पकड़ें तो भाई जी क्लासरूम में हो क्लासरूम आपकी प्लेस है मैडम बाकी सारे बच्चे पर्सन हैं और बाकी घर पर जो कुछ भी है बाकी जो कुछ पढ़ा रही है चीज़ें इनके बारे में नेम कर दो और जब नेम करोगे साथ ही इसे रैंक लगा दो और मैं आपसे पूछती जाऊँगी व्हाट 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 आप बता देना ये दिस 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 कुछ अर्से बाद इसी को हमें कन्वर्ट कर देना दिस और दैट फिर कर देना दिस और दोस्त में और आखिर असल में बी पेपर किताबों से रैंक कितने ही आता आ रही है इसमें बी पेपर के लिए हमें एक्टिविटी डिजाइन करनी है जिसमें बच्चे को ये क्लियर ही नहीं है आई यू ई और सी ये उसको क्लियर होना चाहिए आई मैं बैठा हूँ यू आप बैठे हुए शी वो बैठी हुई है ही वो बैठा हुआ दे फिर एक स्टेज आएगी क्लास टू में या वहाँ में जाके जब वो आई का सीखेगा माई ये मेरा है यू योर है ये ही इज है ये हर है ये कुछ चीज़ें ही इंग्लिश में बस आगे आर्टिकल्स हैं फिर दिस दैट गोज है फिर ही शी आई वी यू दे उनके ये स्टेज आगे आगे आ जाए